अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास कलीक है और स्मार्ट सोलर से मैं आज लेके आया हूँ आपके पास मोस्ट मॉडर्न तीन इन्वर्टर्स का कंपैरिजन। मेरे पास इस वक्त सबसे राइट साइड पे है टेस्ला का टी सोलर, जिसे हम इन्फिनिटी HLE मॉडल कहते हैं, इन्फिनिटी 2020 भी कहते हैं। इसके साथ है इनवेरक्स का नाइट्रॉक्स मॉडल, ये भी इनवेरक्स ने इसी साल बिल्कुल मॉडर्न इन्वर्टर लॉन्च किया है। टेस्ला भी 2020 में लॉन्च हुआ है और इनवेरक्स का नाइट्रॉक्स भी 2020 में लॉन्च हुआ है। इसी तरह से सोलर मैक्स का ओनिक्स मॉडल है, ये भी 2020 में ही लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आज हम इन तीनों इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और हम इन तीनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, सो दैट कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा इन्वर्टर आपने अपने घर के लिए लगाना है, कौन सा इन्वर्टर सूटेबल है आपके इंस्टॉलेशन के लिए। तो सबसे राइट पे मेरे पास है इस वक्त टेस्ला का इन्वर्टर। अगर हम इन तीनों इन्वर्टर्स में स्क्रीन का कंपैरिजन करते हैं तो टेस्ला का इन्वर्टर टोटली टच स्क्रीन है, इसके अंदर कोई बटन्स का इंटरफेरेंस नहीं है और टोटली टच बेस्ड है। इसी तरह से इनवेरक्स नाइट्रॉक्स है, तो इसमें टच तो जरूर है लेकिन इसके साथ साथ बटन्स का इंटरफेरेंस भी है। तो कुछ बटन्स के साथ कुछ ऑपरेशंस बटन्स के साथ ऑपरेट होते हैं और कुछ बटन्स कुछ ऑपरेशंस एलसीडी के ऊपर होते हैं। इसी तरह से सोलर मैक्स का ओनिक्स मॉडल है, तो इसमें भी स्क्रीन मोर और लेस नाइट्रॉक्स जैसी ही है और इसमें बटन्स के साथ भी कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं और कुछ चीजें इसमें स्क्रीन के ऊपर होती हैं। तो तीनों इन्वर्टर्स वारंटी के साथ आते हैं, तीनों कंपनीज वारंटीज देती हैं। टेस्ला एक साल की वारंटी देता है इन्फिनिटी की और नाइट्रॉक्स की वारंटी है, इनवेरक्स नाइट्रॉक्स की वारंटी 5 साल की देता है और ओनिक्स मॉडल जो है सोलर मैक्स का ओनिक्स मॉडल ये आता है 6 साल वारंटी के साथ। तो जैसे एलसीडी में अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला लीड कर रहे हैं टच स्क्रीन एलसीडी में, लेकिन वारंटी के अंदर ओनिक्स मॉडल इस वक्त लीड कर रहा है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा वारंटी इस वक्त ओनिक्स मॉडल की है। अगर हम फीचर्स वाइज बात करते हैं तो इन तीनों का कंपैरिजन करने का मकसद ये था कि दौरे जदीद में जो मॉडर्न फीचर्स हैं जिसमें वाईफाई और डुअल आउटपुट और इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं तो वो इन तीन इन्वर्टर्स में ही मौजूद है और उनकी मजीद डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं डुअल इनपुट की, तो टेस्ला के मॉडल के अंदर डुअल इनपुट नहीं है, इसके ऊपर आप सिर्फ एक ही तरह के सोलर पैनल्स की इनपुट लगा सकते हैं। वेयर एज नाइट्रॉक्स के मॉडल के अंदर डुअल इनपुट है और दोनों आप दो अलग अलग MPPTs हैं और अलग अलग किस्म के पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर हम ओनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भी डुअल इनपुट है और दो अलग अलग तरह के पैनल्स लगा सकते हैं, जैसे मोनो और पोली, या आपके पास 250 वॉट और 300 वॉट का कॉम्बिनेशन है या 300 वॉट और 400 वॉट का कॉम्बिनेशन है, तो दो अलग अलग रेटिंग्स के, दो अलग अलग कंपनीज के या दो अलग अलग क्वालिटीज के सोलर पैनल्स आप अटैच कर सकते हैं। टेस्ला के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। टेस्ला के इन्वर्टर की जो सोलर इनपुट है वो थोड़ी सी कम है, वेयर एज नाइट्रॉक्स और ओनिक्स के अंदर आप 6500 वॉट तक के सोलर पैनल्स की इनपुट दे सकते हैं। इन दोनों के अंदर तीनों इन्वर्टर्स टेस्ला नाइट्रॉक्स और ओनिक्स ग्रिड फीडिंग के फीचर के साथ आते हैं, तो वो आप नेट मीटरिंग इन तीनों इन्वर्टर्स के ऊपर आप कर सकते हैं, इक्वल नेट मीटरिंग देती है। तीनों इन्वर्टर्स इस वक्त जो है वो हाई वोल्टेज के ऊपर डिजाइन है, MPPT रेंज इनकी जो है तीनों की 500 वोल्ट मैक्सिमम है, तो MPPT तो में तो ये तीनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट में टेस्ला में हमारे पास डुअल आउटपुट जरूर है, इसकी आप एक आउटपुट को बैटरीज के ऊपर क्रिटिकल लोड पे लगा सकते हैं और एक बैटरीज को आप एक आउटपुट को आप हैवी लोड पे लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नाइट्रॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर भी डुअल आउटपुट है और ओनिक्स है तो इसके अंदर भी डुअल आउटपुट है, बट इन दोनों की डुअल आउटपुट्स के अंदर थोड़े से एडिड फीचर्स हैं कि डुअल आउटपुट के साथ जनरेटर्स की एक्स्ट्रा इनपुट है, तो इस मामले में टेस्ला से आगे नाइट्रॉक्स और सोलर मैक्स का ओनिक्स आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग जनरेटर की इनपुट की ऑप्शन है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ग्रिड का मसला है, ग्रिड थोड़ा अनस्टेबल होता है और इसी तरह से जनरेटर्स की इनपुट भी थोड़ी अनस्टेबल होती है, तो अगर जनरेटर्स की फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन है तो नाइट्रॉक्स और ओनिक्स उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि बाईपास मोड पे चल सकते हैं, लेकिन टेस्ला के अंदर सेपरेट जनरेटर इनपुट नहीं मौजूद, आपको डायरेक्ट ओवर द चेंज ओवर ही आपको इसकी इनपुट देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डुअल आउटपुट की, हमने डिस्कशन कर ली है डुअल आउटपुट इसके अंदर जरूर मौजूद है, इन तीनों के अंदर भी मौजूद है। मजीद इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि टेस्ला में मौजूद नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, ओनिक्स और नाइट्रॉक्स के साथ टेम्परेचर सेंसर है कि आपकी बैटरीज के अगर हीटअप हो रही है तो ये दोनों अपनी चार्जिंग करंट को लिमिट कर देते हैं, वेयर एज टेस्ला में ये फीचर मौजूद नहीं है।
वाईफाई की ऑप्शन इन तीनों में है, इसके साथ ओनिक्स के साथ सेपरेट वाईफाई डिवाइस आती है जो कि आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ती है। इसी तरह से नाइट्रॉक्स के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेपरेट वाईफाई आती है जो कि इसके साथ अटैच करनी पड़ती है। बट टेस्ला में इस मामले में एक एडेड एडवांटेज जरूर है, वो ये कि टेस्ला की जो वाईफाई डिवाइस है वो बिल्ट इन है, तो आपको अलग से कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर के अंदर ही डिवाइस दी हुई है उन्होंने, और उसकी तमाम तर सेटिंग्स आप इसकी स्क्रीन के ऊपर से कर सकते हैं। इन दोनों की वाईफाई डिवाइसेस की सेटिंग्स भी आप स्क्रीन पे कर सकते हैं। तीनों की मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, और आप ओवर द वाईफाई किसी भी जगह पे दुनिया में बैठे हो तो आप ऑपरेट कर सकते हैं इनको, इन तीनों मॉडल्स को। सोलर एक्स का फर्मवेयर आप अपडेट कर सकते हैं, ओनिक्स का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, इसी तरह से नाइट्रॉक्स का फर्मवेयर भी आप अपडेट कर सकते हैं ओवर द वाईफाई, लेकिन टेस्ला का फर्मवेयर नहीं अपडेट कर सकते। इसके अलावा ये तीनों इन्वर्टर्स विद बैटरी भी चलते हैं, विदाउट बैटरी भी चलते हैं, और ऐसे रात के टाइम यूपीएस मोड के ऊपर भी चलते हैं। सोलर मैक्स टेस्ला के इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी विदाउट वापडा भी चला सकते हैं। नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर के ऊपर कंपनी कहती है कि दे डोंट प्रेफर कि आप इसको सिंगल सोर्स पे चलाएं, डायरेक्टली सोलर के ऊपर विदाउट बैटरी और वापडा चलाने को नाइट्रॉक्स कंपनी जो है वो रेकमेंड नहीं करती। अच्छा, जबकि जो ओनिक्स का इन्वर्टर है, ओनिक्स के इन्वर्टर के ऊपर आप सिंगल सोर्स के ऊपर जरूर चला सकते हैं, कंपनी क्लेम करती है कि आप सिंगल सोर्स के ऊपर ओनिक्स का इन्वर्टर चला सकते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे अक्सर लोगों का जो एक कंसर्न होता है वो प्राइस रेंज, कि प्राइस वाइज कौन सा जो है ना वो बेहतर है। तो प्राइस वाइज जो है वो टेस्ला इसकी जो रिटेल प्राइस है मार्केट में तकरीबन कोई 95,000 रुपीज है। इसी तरह से नाइट्रॉक्स जो है इसकी प्राइस है तकरीबन 1,28,000 रिटेल प्राइस, और जो ओनिक्स का इन्वर्टर है इसकी रिटेल प्राइस है 1,25,000। तो अगर प्राइस में बात करते हैं तो प्राइस में इस वक्त जो आउटक्लास कर रहा है वो टेस्ला का इन्वर्टर है, क्योंकि इसकी प्राइस कम है, लेकिन बाकी फीचर्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो मेजर फीचर मोर और लेस इनके कॉमन है, लेकिन प्राइस वाइज टेस्ला इस वक्त सबसे कम है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इन तीनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन बताया जा सके, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सुटेबल है। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।